सहल हो गए आप? गिलास पर इसको तो मुझे पसंद करता है कि मैं आपका दिल भी ना तोड़ूं और उसका दिल भी ना तोड़ूं। क्या मतलब आते हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस मी डॉक्टर मदीहा एहसन और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। लेकिन तबीयत थोड़ी ख़राब है, साथ नहीं दे रही है, बट मैंने सोचा कि आज मैं एहसन के साथ प्रैंक करूँगी क्योंकि वो मेरे साथ तो डेली प्रैंक्स कर ही रहे होते हैं तकरीबन। तो आज मैं प्रैंक करने वाली हूँ ये कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ एंड लेट्स सी कि इस पैसन का क्या रिएक्शन होगा। मुझे डर भी बहुत लग रहा है, कन्फ्यूज़ भी बहुत हूँ, दिल भी बहुत चाह रहा है, मज़ा भी बहुत आने वाला है। तो अभी कहीं कैमरा हाइड कर दूंगी, एहसन अभी नीचे हैं, नीचे से जैसे ही ऊपर आएंगे मैंने उन्हें कहा कि मैं लियाना को सुला रही हूँ और सुबह से मेरी तबीयत भी डाउन डाउन सी है, तो मैं उनको यही कहूँगी कि मैं परेशान परेशान सी हूँ, पहले मैं कैमरा सेट कर दूँ और पूरा व्लॉग देखिएगा क्योंकि अब बारी है मेरी सताने की। मुझे जो सताएगा मैं भी उसे सताऊंगी। यहाँ से यहाँ तक बुक कीजिए, मैंने कर दिया कैमरा सेट और एहसन जैसे ही आएंगे तो मैं स्टार्ट करूँगी अपनी एक्टिंग। आज मैं दिखाऊंगी अपनी एक्टिंग स्किल्स, मैं देख लूँ ठीक गा भी रही हूँ यानी। आवाज़ जाएगी वहाँ तक, जोर जोर से बोलना पड़ेगा हेलो 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 ऐसे। अलियाना अंदर सो रही है, बीच में मुझे ये मसला है कि कहीं वो जाएगी तो मतलब मैं कैसे मैनेज करूंगी, लेकर ये भी आ जाऊंगी और यहीं से कंटिन्यू करूंगी एक्टिंग। अंदर पड़ा हुआ है कुछ नहीं यार, मेरा ना अपॉइंटमेंट भी ठीक हो रहा है ऐसा नहीं, मैं ना परेशान हो गई हूँ, बस मैं आप कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। क्या तीन मेरे पास बैठ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सारा घर से मेट देती है मासी, लेकिन ये नहीं सुनो, ये उसका काम नहीं है। किसका है मेरा? मुझे ही देख के रखनी पड़ती है ना ये चीजें यहाँ से यहाँ उठाकर, मुझे ही अलियाना की कबर्ड सेट करनी पड़ती है। तो झूठ बोल रही है। तो कौन करता है? मैं ही करती हूँ। आप उससे लड़ने के मूड में तो मुझे बता दे। क्या हो रहा है? मेरे वैसे ही बहुत सर में दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ यार, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह से डिसीजन लूं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं बस परेशान हूँ। क्या हो रहा है? मुझे आपकी ना इन्हीं चीजों की वजह से मेरा दिल खराब हो गया। वो तो हो गया। क्या मुझे छोड़ के जाने लगी? क्या हुआ है? आप बेफिक्र हो जाए, आप कहेंगे तो मैं आपको छोड़ देती हूँ। बेफिक्र हो जाए? बेफिक्र हो जाए, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको छोड़ देती हूँ। क्या हुआ है? क्यों कर दिया ऐसे? आप 30 मिनट मेरे पास बैठे, मैं ऐसे बात नहीं कर सकती। मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे एक बात बताएं, आपसे एक बात पूछूं? मेरी एक दोस्त है, वो जो है ना उसकी शादी हुई है। फायदा की बात नहीं कर रही, उसकी एक छोटी सी बेटी भी है, उसकी लव मैरिज हुई थी। फायदा का काम ना लेना। लेकिन मसला ये है कि वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, पर अब वो किसी और को पसंद करती, कोई और लड़का आ गया उसकी लाइफ में, तो ये नहीं समझ में आ रहा। मूवी कौन सी देखी? अच्छा मूवी कौन सी देखी बताओ? देखी नहीं। मूवी कौन सी देखी ये बताओ? तेरी बात सुन, अगर आप किसी को मशवरा दें कि कोई लड़की है वो किसी मतलब उसकी शादी हो गई, उसका एक बेबी है, वो एक अच्छी जिंदगी जी रही है, और कोई लड़का अचानक से उसकी लाइफ में आ जाए और वो भी उसे पसंद करता हो, वो लड़की भी एकदम उसे पसंद करने लग जाए, तो वो लड़की क्या करे जो शादी शुदा? मुझे ये नहीं समझ में
पा रहा मैं अपनी दोस्त से क्या मशवरा दूं, मुझे ये नहीं समझ पा रहा ना मेरी दोस्त गलत कर रही है, मुझे मैं जानती हूँ मेरी दोस्त गलत कर रही है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, फायदा, अलीबा, बिस्मा, हबीया, सबिया, नाय, इनमें से कौन है? छह में से इनमें से कोई भी, मैं उस हिसाब से मशवरा दूंगा ना, देखो फायदा अलीबा जो है वो माइंड ना करना लड़ा के, और बिस्मा का मुझे आइडिया नहीं है, हबीया का भी नहीं है, सबिया का भी नहीं है, पता है मसला क्या है, नायमा का तो बहुत अच्छे से है, नायमा हो सकती है। आपकी बातें जो भी है, उसकी एक बेटी ने, एक लड़की ने जिसकी शादी भी हुई है उसकी एक बेटी, पर वो किसी और को पसंद करने लग गई है, वो लड़का जो भी है वो भी किसी उसको पसंद करता है, और वो अपने शौहर का दिल भी नहीं दुखाना चाहती, और वो चाहती है, उसको समझ में नहीं आ रहा ना वो क्या करे, सारे मिलके हमको पागल बना रहे। आपकी तो किसी भी दोस्त की बेटी नहीं है, सबके बेटे, इसकी बात कर रही हो, क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, बात किसकी कर रही हो, जिसकी भी कर रही हो मुझे बताएं, मैं अपनी दोस्त को मशवरा क्या दूं, मतलब वो अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और को उसको पसंद नहीं, वो कह दिए कि मैं अपने हस्बैंड को भी पसंद करती हूँ। व्हाट, क्या कोई मूवी चल रही है, आप किसी और लड़की को पसंद करने लग जाए और वो लड़की भी आपको पसंद करने लग जाए तो फिर क्या होगा, तो क्या होगा, देखो कभी भी तो क्या होगा आप उस लड़की को पसंद करोगे, आप अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपकी शादी हुई है, फॉर एग्जांपल कोई भी तो है, फॉर एग्जांपल क्या मैं आपसे शादी शुदा में हूँ, मतलब मेरी और आपकी मैरिज हुई है, तो अगर आप किसी और लड़की को एकदम पसंद करने लग जाओ तो फिर क्या करोगे आप, और वो लड़की भी आपको पसंद करने लग जाए, तो मैं किसी और लड़की को पसंद नहीं करूंगा, नहीं गलती नहीं, ये गलतियां नहीं होती, ये पूरे सोच समझ के प्लान होता है, अब आए ना लाइन पे, और वो लड़की भी पसंद कर रही है आपको, आप भी उसको पसंद कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आपका मुझसे दिल भर जाएगा, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा टेस्ट हो रहा है, क्या हो क्या है, प्रैंक हो गया आपके साथ, आपको बैठे बैठे हो क्या गया, अच्छा जो बात है खुल के दो, बुला के सहल हो गए आप, क्या बोले, हाँ सच है मैं किसी और को पसंद करती हूँ, किसको, तो क्या मतलब है, मेरी भी इतनी लाइफ है, ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद बेटी हो और बेटी के बाद हस्बैंड, मतलब ठीक है, मैं भी किसी और को पसंद करता हूँ, मुझे तो पहले पता था आपके बारे में, मुझे भी सब पता है, क्या पता है, मैं प्रूफ दे सकता हूँ आपको, खत्म, चलिए अगर प्रूफ है तो आप निकाल के दिखा दें, लेकिन मैं आपसे अभी तक मैंने आज तक बात ही नहीं की, इसके लिए मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, नहीं कसम भी नहीं खा सकती क्योंकि हो सकता है मैंने उससे बात की, बात ही बात है, कैसे हो, पर वो आगे से जवाब नहीं देता, लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है, ये बात सच है, ठीक है ये बात सच है, और मुझे इग्नोर करनी है आप, उसी के लिए कर रही, नहीं उसके लिए नहीं कर रही थी, मैं ये सोच रही थी कि मैं आपका दिल भी ना तोड़ूं और उसका दिल भी ना तोड़ूं, ये है true definition of a girl. You can't say anything to her. Yes, I can say anything. अगर लड़की दिल तोड़े तो वो सही लड़की। आपने मुझे ये क्यों बोला कि उस दिन पार्टी में कोई गर्लफ्रेंड आई हुई थी, हो सकता है आई थी। मैंने कब बोला? आपने वहाँ पे बैठ के बोला कि कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है मेरी, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर। मैं मजाक कर रहा हूँ। आपने ये मुझसे मजाक किया। इन्फ्लुएंसर के अलावा कौन है? मुझे भी आपकी मजाक बुरे लगते जब आप वहाँ बैठे मुझे ये बोल रहे थे कि इन्फ्लुएंसर्स के अलावा भी कोई हो सकता है जिससे मैं
बात करता हूँ तो ठीक है सही है वो मेरी मैं तो अपनी दोस्त की मिसाल से किसको किसको पसंद करती हूँ मुझे नहीं पता ये मुझे नहीं पता बेटी मेरे साथ ही रहेगी ये क्या बात हुई तो मैं चीख के कह दूं मैं किसी और को पसंद करती हूं अम्मी को कॉल करूं आपकी इसने अम्मी को कॉल करने वाली कोई बात नहीं उनको बड़ों को बताओगे नहीं आई एम नाउ 18 प्लस लाइक मैं अपने डिसीजन को दे सकती हूं लाइफ के 15 प्लस वाह क्या बात है और ये हो गया इसको तभी तो मुझे काम सा हो रहा है अम्मी को मैं आपको तंग कर रही हूं आपको लग रहा है ये मजाक चल रहा है क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला ओवर एक्टिंग की औलाद अच्छा बात सुने इधर बात सुने जब भी काम करते हैं पूरी पोजीशन में रहते हो ठीक है पूरी पोजीशन पे नजर आना चाहिए इंसान नहीं तो कट जाता है इंसान क्या मतलब है आपका नहीं सिखाते जो एक काम करता हो उसको नहीं सिखाते क्या नहीं सिखाते क्या नहीं सिखाते प्रैंक कैसे करते हैं मैं पागल हूं ना मैं यहां से उठ के आया हूं और आपके हाथ में फोन ही नहीं है सबसे बड़ी बात है आप बैठे हो मैंने 3 साल से आपके पास साल तो मुझे पता लग जाता आपको एक नजर देखते ही कि आप कब क्या करनी क्या करने वाली है तो क्या मतलब हाथ में फोन देंगे थोड़ी हिम्मत है बड़ी हिम्मत क्या मतलब हाथ में फोन नहीं है बहुत हिम्मत है मतलब क्या है आपका मतलब बहुत हिम्मत है ये रोते नहीं था सामने मुंह देख रहा शीशे ये क्या है मुझे जैसे नजर ही नहीं आ रहा ना मैं पागल हूं मुझे नजर ही नहीं आ रहा सीखे कुछ क्या सीखे किसी और को पसंद करती है सारा प्रैंक खराब कर दिया मेरा बैठे किसी और को पसंद करती है उस दिन आपने नाम किसका लिया था इन्फ्लुएंसर के अलावा कौन है गर्लफ्रेंड उसका बताया मैं किस किस का नाम लूं यार अब ओ प्रैंक क्यों पकड़ा पहले प्रो बने सीखे आई एम प्रो अच्छा कुछ दिन I am pro. पहले ना बैक कैमरा से वीडियो बनाना सीखे आप मुझे बैक कैमरा से वीडियो भी बनाना आती है और ये मैंने क्लीनिंग का ब्रश भी रखा हुआ है बात सारी ये है कि मैं हन्नान को पसंद हन्नान मेरा भांजा है एंड आई लव हिम अच्छा तभी आप कह रही थी वो मुझे जवाब नहीं देता उसको भी चढ़ाया दे फ्रेंड की तरह ताकि वो भी आपसे चिढ़ जाए गाइस आप लोगों ने देख लिया मेरा प्रैंक नाकाम हो गया पर मैं नेक्स्ट प्रैंक बनाऊंगी और इंशाल्लाह वो इनको नजर नहीं आएगा डोंट यू वरी टिल देन सब्सक्राइब माय YouTube चैनल जान सेव करने लगा था जो शानदार हो गया